हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ये रेसिपी बताती हूँ, मेथी, सोया, आलू और मिठोरी, इन चीज़ों को मिला के मैं आपको अच्छी सी टेस्टी रेसिपी बताती हूँ। तो प्लीज़ गाइस कि आप लोग ये पूरा वीडियो देख के और बताई वीडियो देख के आप पसंद मेरा वीडियो पसंद आने पर तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आगे की रेसिपी आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ। तो ये मेथी है, मैं मेथी को एक एक करके साफ़ कर लेती हूँ और सोया को भी साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि ये रेसिपी कैसे बनेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, ये आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी, एक बार बना के देखिएगा। और मैं शुरू करती हूँ, इसको साफ़ कर लेती हूँ और मेथी को भी साफ़ कर लेती हूँ और आलू को भी कट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने तैयार कर लिया है मेथी साग, दोनों को कट कर लिया है छोटे छोटे, और मैंने आलू को कट कर लिया है। इसके बाद मैंने ये मिठोरी को, इसको मैं भूनना है, और ये प्याज, अदरक, लहसुन, और इसके बाद है जीरा, हींग और मिर्च, और ये हो गया नमक। तो इसको पहले हम इस कढ़ाई में भून लेते हैं। इसको खोलो। तो फ्रेंड्स, ये गर्म हो जाए, इसके बाद हम डाल देते हैं तेल, और कलछुली उठा इसको गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों, ये गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देंगे जीरा, हींग और मिर्च। इसको पकने देते हैं, फिर इसके बाद डाल देते हैं लहसुन, फिर इसके बाद डाल देंगे प्याज, तो ये हमारा दोस्तों, ये सब डाल जब डालने के बाद ना, इसके बाद अदरक डाल देंगे। दोस्तों, ये सब मिल जाता है कि वो ठंड का मौसम है, और कहते हैं कि सोया मेथी ये गर्म होता है, तो इसलिए इसे पकने देती हूँ। हेलो दोस्तों, फिर इसको गर्म करने के बाद, थोड़ा सा गर्म हो उसको बंद कर देना गैस को, और फिर इसको भून लेना है। बिल्कुल गैस बंद कर दीजिए, जलाइएगा नहीं, और हल्के हल्के को भून दीजिए। तो ये हमारा ब्राउन कलर का हो गया है, इसको मिक्सी के जार में हल्के से कूट लूंगी। तो दोस्तों, मैंने इस तरीके से एक ही बार
चलाया और कुट गया। ज़्यादा महीन नहीं करना है मुझे, सिर्फ इस तरीके से। इसके बाद ये हमारा ब्राउन कलर का हो गया है। इसके बाद हम डालेंगे आलू, और इसको चला देंगे। इसमें ये मिठोरी भी डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे हल्दी। फ्रेंड्स हल्दी ज़्यादा नहीं डालना, और मिर्च मैंने पहले से डाल रखा है इसलिए हल्का पीसा मिर्च, हल्का सा धनिया एक चम्मच, और गरम मसाला। इसके बाद ये हम डाल देंगे दोस्तों, और इसको छोड़ देंगे, और डाल देंगे नमक। तो फ्रेंड्स इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है और इसे ढक देना है। तो फ्रेंड्स ये मुझे ढक देना है और ज़्यादा आंच में नहीं पकाना है, धीरे धीरे पकने देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई। इसके बाद ये धनिया, लहसुन, अदरक और मिर्च को और नमक मिला के इसको पीस लेती हूँ, चटनी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आ जाइए, ये मेरा साग बन गया है, और ये मेरी चटनी, और ये है हमारी बेसन की रोटी जिसमें देसी घी लगी। तो गाइस आप लोग एक बार ज़रूर बना के देखिए, इस रेसिपी बहुत बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी, सर्दियों के लिए बहुत लाभदायक है, बच्चों के लिए सबके लिए बहुत लाभदायक है, और ये बेसन की रोटी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आने पर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो यही रहा। तो इसके आज मैं बताती हूँ कि ये मेरा नया चूल्हा मैंने ख़रीदारी की है। तो आपको ये हमारा नया चूल्हा कैसा लगा, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये हमारी रेसिपी कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो आज का मेरा वीडियो यहीं एंड करती। थैंक यू।